देश भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। जी हां, इसके अलावा 2,872 लोग कोरोना की चपेट में आकर अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अभी तक 34,109 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं महानगरों में कोविड-19 के लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी तक पाए जा चुके हैं। लॉकडाउन के आखिरी दिन महज 24 घंटों में कोरोना के 4,987 नए केसेस सामने आए। इसके अलावा 120 मौतों की एक ही दिन में पूरे देश भर से पुष्टि हुई है। लगातार पूरे देश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण जुड़ चुकी है फोन लाइन पर मेरे साथ में। प्रीत, बीते 24 घंटे में 120 नई मौतें दर्ज की गई, लॉकडाउन के चलते फिर भी यहां पर इजाफा दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। प्रीत जी बिल्कुल, जेटी 24 घंटे में 120 मौतें हुई हैं देश में और लगातार जिस तरीके से आंकड़ा पार कर रहा है कोरोना की, 11 दिनों में कोरोना के जो मामले हैं वो डबल हो रहे हैं। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि इतनी लॉकडाउन के बाद करीबन 20 से 25 दिन में या 22 दिन में जो मामले हैं वो डबल होंगे, लेकिन अभी भी 11 दिन में मामले डबल हो रहे हैं जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। हालांकि आज लॉकडाउन का अंतिम दिन है तीसरे चरण का जी, और कल से चौथा लॉकडाउन लागू हो जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन लागू रहेगा लेकिन अब उसमें काफी कुछ छूट दी जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मांग की है कि 50% जो निजी ऑफिस है उनको खोला जाना चाहिए और 50% स्टाफ वहां पर काम करेगा। हालांकि हर वीक में सैनिटाइजेशन की बात की है, हर वीक में सैनिटाइज किया जाएगा। जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे मास्क और ग्लव्स के साथ ही निकले तो बेहतर है, ये भी कहा गया है। इस बीच में महाराष्ट्र में जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के चांदनी चौक में व्यापार मंडल ने भी यह फैसला लिया है कि 30 मई तक जो है दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। जो व्यापार मंडल है चांदनी चौक इलाका जहाँ पे कामकाज होता है, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है, वो बंद रहेगी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।